सेनेट इलेक्शन में बड़ा एक्शन, अपोजिशन ने हुकूमत को सेनेट उखाड़े में पिछाड़ दिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को 5 वोट से शिकस्त दी। यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब यूसुफ रजा गिलानी ने 169 वोट हासिल किए, जबकि हफीज शेख ने 164 वोट हासिल किए। नंबरदारों और नहरी पटवारियों की छुट्टी, 150 साल पुराने नहरी निजाम को अल्लाह हाफिज। वज़ीर-ए-आला पंजाब का किसानों की आसानी के लिए बड़ा फैसला, किसानों से आबियाना अब बिलों के जरिए वसूल किया जाएगा। महकमा आबपाशी ने तमाम नहरी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिया। आबियाना के 450 अरब अब बैंकों में जमा होंगे। किसान दुश्मन पॉलिसीज काश्तकारों पर भारी, जनूबी पंजाब भर में परेशान हाल काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा। मुल्तान में डीएपी खाद की बोरी 2 माह में 2000 रुपए महंगी, कीमत 3200 से बढ़कर 5200 रुपए मुकर्रर। काश्तकारों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा। जनूबी पंजाब की आवाम को मिलेगा अब पीने का साफ पानी। पंजाब आबपाक अथॉरिटी का साफ पानी के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। पहले फेज का आगाज शहरे औलिया से होगा। 3 माह में डीजी खान और बहावलपुर भी मुस्तफीद होंगे। पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए मोबाइल लेबोरेटरी के कायम का भी फैसला। मोबाइल लेबोरेटरी घर घर जाकर पानी का मुफ्त टेस्ट करके रिजल्ट देगी। मुल्तान में बेहंगम ट्रैफिक से छुटकारे के लिए इनकलाबी कदम। मतनी चौक फ्लाईओवर का टेस्ट पायल वर्क मुकम्मल। एमडीए का आइंदा हफ्ते बाकायदा तामीराती काम शुरू करने का ऐलान। मंसूबे पर 40 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। पीटीआई हुकूमत का शहरियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। आवाम के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर आइंदा साल के लिए तखमीना तैयार। नए माली साल में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम देने के लिए 78 अरब दरकार। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नए माली साल में मखदूम फंड्स की तजावीज पेश कर दी। मसीहा ही नहीं तो मसीहाई कौन करेगा। टीचिंग अस्पताल डीजी खान में अमले और डॉक्टर्स की कमी। अस्पताल के अंबूर मसाइल का शिकार होने लगे। टीचिंग अस्पताल में 192 नर्सेज और 140 पीजीआर की सीटें खाली। 120 टेक्निकल स्टाफ भी दरकार। 70 से ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स की तायुनाती भी ना की जा सकी। अस्पताल इंतजामिया ने जल्द स्टाफ की कमी को दूर करने की यकीन दहानी करा दी। और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में दर्जा हरारत में इजाफा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं।